बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है यार मंशा। मुझे बल्कि मेरी आसिम जोफा से आज फोन पे बात हुई, तो मुझे मैंने कहा आसिम मुझे इतनी खुशी हुई है कि हम कभी हम मिले भी हैं ना जब, तो नेकी के सिलसिले में बात कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छाई के सिलसिले में बात। इससे पहले मेरी आसिम से इतनी अच्छी बातचीत कभी भी नहीं थी, मतलब बातचीत इस तरह से कुछ ऐसी बात हुई नहीं थी कभी। तो मुझे इतनी अच्छी लगी आज आसिम ने मुझे कॉल की कि मैं हिरा तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक आध इस तरह का कुछ सीओ और बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट। तो मैं भी शायद कल या परसों से अब ये थोड़ी जो सिलाई वाली स्किल है निकालनी और दिखानी, ये भी अब क्या करूँ। सीखेंगे, सिलाई करना सीखेंगे हाँ फिर हाँ से। तो मंशा तुम भी करो ना फिर ये। मैं बिल्कुल, मैं बल्कि जो है ना, मेरी अम्मी एक वक्त पे सिलाई करती थी, हमारे जो सारे ईद के कपड़े हैं ना मेरी अम्मी सीती थी, तो अब मैं उन्हें बोलूंगी अच्छा कि वो जरा मुझे, हाँ, तो मेरी मेरी 3 बहनें और मेरे जो कपड़े थे वो हमारे बचपन में हमारी अम्मी ईद पे सीती थी सारे कपड़े, एम्ब्रॉयडरी शम्ब्रॉयडरी ये वो हमारे टफ जो टाइम वाली रिलैक्स ड्रेसिंग के। टफ टाइम वाला टाइम तो नहीं अरे था, टफ टाइम वाला जो अम्मी एक बैठी थी सिलाई मशीन पे, वो वाली तो नहीं थी अम्मी सिलाई मशीन में जो वो बैठी ही थी, था, मुझे लगता है हमारे वही घर पे था। एक सिलाई मशीन होती थी। मेरी अम्मी को शौक होता था बल्कि सिलाई का अच्छा और एम्ब्रॉयडरी का, तो हम हमारी जब छुट्टियां भी होती थी, समर हॉलीडेज होती थी, तो हमें अम्मी जो है वो नीट पकड़ा के कोई शैडो वर्क कुछ कोई ना कोई एम्ब्रॉयडरी सिखा लेती थी। अब तो कुछ याद नहीं है, लेकिन माई मदर यूज टू डू अ लॉट ऑफ सिलाई, नहीं तो है अब मैं ये उन्हें बड़ा, कहूंगी सीखे मेरी खाला सिखाए ने मुझे जो है कुछ। ना ईद के कपड़े मेरी खाला इसी तरह बनाती थी, उनकी भी 3 बेटियां थी। मैंने देखा है जो बहुत बेटियों वाली माँ होती है ना, वो ये बेटियों चीजें वाली माँ होती है वो ऑटोमेटिकली बेचारी, है ना वो कहती है क्या वो। इतने पैसे खर्च करें जाके, क्योंकि मेरी अम्मी तो अम्मी अब दोनों डॉक्टर थे, तो वो तो कहते थे हाँ इतने पैसे कौन खर्च करेगा, सब इतना बंदा खुद ही इसी ले घर पे। ये सारी कहानी स्टार्ट हुई ना, ये पेप्सी की 1.5 लीटर से स्टार्ट हुई, प्लास्टिक वाली बोतल से। उसके बाद सबके पास पैसा आ गया। जिस दिन पेप्सी, जब तक पेप्सी जो थी ना कांच की बोतल में थी और हम मेहमानों के बाद जाके आती थी पीते थे, जब तक हम सब गरीब थे पाकिस्तान पूरा, जिस दिन पेप्सी ने 1.5 लीटर जो है लेके आया, उसके बाद हर घर में, थ्योरी है फ्रिज पैसे में, ले अब्बा के पानी पास की, मैंने कभी ये पैसा। थ्योरी सुनी नहीं है कि वेल्थ नहीं, ये हैज गॉट पूरा टू डू सोचा विद है साइंस कंट्री है, और नहीं क्लास। बात है वैसे। हाँ, ये पेप्सी ने किया था, बताओ पेप्सी है इसकी वजह। पेप्सी डेढ़ पेप्सी को लीटर बड़ा लाती है पावर आ सिर्फ, गया कि इसने सबकी जिंदगियां बदल दी है। सबकी जिंदगी बदल गई। सबके पास पेप्सी आ गई, सबके पास पैसा आ गया, सबके पास गाड़ियां आ गई, मुशर्रफ साहब आ गए, सबने गाड़ियां अच्छा, खरीदी लीज पे, सब सब कुछ हो गया। तो हमारा तो कोई पेप्सी का कारखाना नहीं है भाई, लेकिन हम तो लेकिन बड़े फ्रिज बड़े में पेप्सी पापड़ पड़ी हुई बेलने है। पड़े इसके लिए, बहुत पापड़ बेले, कोई पेप्सी ने कोई आगे मदद इस तरीके से तो वाकई नहीं में की। ये बाकी सच बात है कि अपने ओन भी चीजें करना ये एक बहुत मुश्किल तरीन चीज होती है, और इसमें स्ट्रगल के साथ आपको बड़ा सीखने को भी मिलता है। मुझे याद है इस जमाने में जब ऑब्वियसली इतना जो है पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, चीजें नहीं मिलती थी, तो मैं भी ये करती थी, मैं कुर्तियां बनाती थी और उस पर खुद ही बीट्स का वर्क कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ उसके थ्रू ही। अच्छा ये होता है ना कि जब आप सिलाई कढ़ाई, क्योंकि मैं अपनी खाला के साथ रह रही हूँ तो वो भी ये चीज करती थी, तो बहुत उनसे मैंने बड़ा कुछ सिलाई कढ़ाई सीखी। तो जब आज आसिम का कॉल आया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी मजे की बात है, मैं जरा ऊपर से अपनी सिलाई हाँ, मशीन ये निकालती हूँ करती मुझे याद है, शादी वाले और दिन ये लेके आई भी थी, वो पता नहीं किसने, इसने किसी मेड को दे दी थी शादी वाले दिन, ये लेके आई हाँ थी मैं वो शादी वाले वक्त, ऑटोमेटिक थी सिलाई मशीन, ऑटोमेटिक थी वो, कोई जैपनीज टाइप वो की थी। जहेज की थी। हाँ, लेकिन ये जो अच्छा है वो, हाँ, ये लेके आई थी, हाँ ये लेके आई थी, ये लेके आई थी, लेकिन इसने किसी मेड को दे दी थी। सिलाई लेकिन मशीन अब का ये भी देखे, मसला होता है ना, कैसे आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है वरना वो खराब हो जाती है थोड़े अरसे, अगर आप ऐसा होता है सिलाई मशीन के साथ कि अगर हाँ इस्तेमाल वो नहीं जो करते तो मैनुअल खराब होती है हो ना, जाती मैनुअल को बहुत रवा रखना पड़ता है, वरना वो जंग बंग लाओ फिर हम रहते भी जंग डिफेंस लग में, तो जाता यहाँ है पे उसमें, नहीं, और ये वाला सिलसिला थोड़ा ज्यादा ही होता है। सब गिर जाएगा, हाथ क्यों रखते हैं, गिर जाएगा टूट के। इतना जंग आ गया है, गाड़ी के अंदर जंग है, घर में जंग है, एसी गिर जाता है पीछे से, हाँ ये सब क्यों, आप जंग लोग कौन ज्यादा। सी सी व्यू की तरफ है, आपका आपकी रिहाइश कहाँ है, सी व्यू की समंदर के तरफ पास ही होगी, है, समंदर यहाँ से नजर आ रहा है, इधर से पास नहीं ही आ है, रहा, करीबी है करीब समंदर। ही है। हाँ तो इस वजह से हाँ, तो सारी फिर तो मुश्किलें हुई, डेफिनेटली होगा कि जंग, तो जंग का तो बड़ा मसला होगा। बाल बाल भी सब गिर गए अब तो, पता बाल नहीं, भी मैं नहीं। दुनिया भर में घूमता हूँ, दुनिया बाल तो भर में अभी घूमता सबके हूँ, गिर गए हैं, राज तो मौसम ही कुछ मनहूस किस्म का है कि सबके बाल नहीं गिर रहे हैं। मंशा मंशा दुनिया भर में मैं घुमाऊं और समंदर के सामने रहा हूँ, आज तक मैंने जंग नहीं देखा। हाँ ये कोई निराला समंदर है, कुछ चक्कर और है, ये मुझे कुछ साइंस, कोई अकलमंद आदमी से पूछना है कि क्या कोई ये साफ करते हैं जंग को, समंदर साफ करते हैं, थाईलैंड में नहीं है नहीं कुछ? दूसरी दूसरी ममालिक में भी आई थिंक ये मसला होता होगा कि
जो नहीं कहते वो जो लग जाता है उनको, उनकी तो कश्तियों को भी जंग लग जाता है, जो आई थिंक सॉल्ट, इट्स गॉट टू डू विद द काइंड ऑफ वाटर, जिस किस्म का पानी होता है. अब मेरी कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, बट जो मुझे लगता है नमकीन पानी की तरफ जो होता है ना, क्योंकि उसका कंटेंट भी कोई फर्क होता होगा, तो शायद उसमें ज्यादा होता है चांसेस जंग लगने का. बिल्कुल 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 सही है. लेकिन तो मंशा फिर सर आई एम ये जस्ट जो गोइंग टू बोले. लाल कबूतर जो फिल्म थी और बड़ी कमाल थी हाँ और बहुत ही अच्छी मूवी थी, तो अब आपने जो है एक और फिल्म साइन कर ली और उसकी शूट भी मेरे ख्याल से काफी हद तक हो चुकी है जुनैद के साथ, हो तो गई है, उसकी डबिंग भी हो गई है, अब बस जब ओ हालात ठीक होंगे तब वो रिलीज होगी. हाँ शूट भी हो वाह गई, डबिंग भी यार हो गई, क्या यानी बड़ा. रेडी है. बोले तो कब तक, अगर ये कोरोना वाला सिलसिला नहीं होता तो कब तक थी रिलीज करने का उसका, क्या प्लान था? उसका जो ओरिजिनल प्लान था उन्होंने जो बताया था हमें, वो कह रहे थे कि दोनों ईद के बीच में होगी कहीं, तो अब तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि जो ईद की भी जो फिल्म है ना, शायद वो भी आगे चली जाएंगी, जो ईद की रिलीज थी वो भी शायद कुछ आगे चली जाए, तो फिर सारी फिल्में ही मुझे लगता है, अब मुझे लगता है शायद आखिरी साल के आखिर में होगी या फिर अगले साल होगी अब तो. जी हाँ ये हो गया, ये मनी बैक गारंटी जो हमारी फिल्म है वो भी आगे हो गई है. फिर आपकी फवाद अब कब खान की आ जो रही है? गजल थी, वो जो मौलजट है, वो भी आगे हो गई है. फिर हमारी लफंगे एक फिल्म थी, वो भी मेरे ख्याल में आगे हो जाएगी. और फिर हमने ये इशरत की है, ये अभी लड़के जो बैठे हुए सारे बैंकॉक में यार बैंकॉक में पूरी टीम जो है वो फंसी हुई फंसी है, हुई है तो वो भी मनसा. आगे हो आई जाएगी, नो, वो भी आगे मैं हो आज अपनी जाएगी. अम्मी को यही बता रही थी कि ये सारे लोग फंसे हुए हैं, बस इनका सोच के मुझे अजीब वो होता है कि नहीं लेकिन यार वो जा रहे ये है हैं, कि बस अच्छी ही बात बात है कि यही एक है कि साथ आप फंसे हैं. मुझसे फंसे हुए हैं. नहीं फिर भी यार एक बहुत मतलब मैं जब अभी यूएसए में थी तो जब मुझे एक मैसेज आया कि थाई एयरलाइन जो है वो कैंसिल कर रहा है अपनी फ्लाइट, तो वहां के सुबह के 6 बजे थे या 5 बजे थे और मानी के टाइम, मानी के पास क्या टाइम हो रहा था, 9 बज रहे होंगे रात के, आठ नहीं या नहीं मैं नौ 9 बज रहे हैं सुबह के, मतलब यहाँ कोई उल्टा सीधा टाइम था. नहीं तुम्हारे पास रात हो रही मेरे थी, पास बहुत सुबह सुबह का टाइम था मेरे यार. पास सुबह का टाइम था मानी, तुम्हारे पास सुबह का हाँ टाइम पता नहीं होगा. कोई ऐसा टाइम था जिसमें मेरा सुबह था या इसकी सुबह थी, पता नहीं हाँ था इसके. तो खैर मैंने तो रोना मचा दिया, मैंने कहा यार ये फ्लाइट कैंसिल हो गई, तुम वहां फंस गए, मैं यहाँ फंस गई, नाइटमेयर था वो मेरे लिए. और मैंने कहा मैं किस तरह करूंगी और बच्चे यहाँ पर अकेले अम्मी अब्बू के साथ मेरे, तो ये मैंने मैंने मैं मानी को ये कहती कि ये चीजें ना फिल्मों में देखी है मंशा मैंने, कि एक वायरस आ गया है जिसे सब घरों में है और एक वायरस आ गया है जो हवा में है और सब घरों में बंद है. अब ये मुझे कभी पता नहीं था कि यार ये कभी हो जाएगा. हो भी जाएगा ये. सबके लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि आई थिंक हम पिछली जो आई थी इस किस्म की वायरस, वो तो हम सबसे बहुत पहले 1918, तो हमारे अम्मी हाँ अब्बू के जमाने से भी पहले, काफी पहले की बात है ये. हाँ हाँ 1918 में इतनी 1918 प्रिडेंशियस आई थी वो उस टाइम 18 पे. हाँ 18 ही बोल, परदादा, परदादा के 1918 जमाने मतलब में, परदादा परदादा 1918 कितना बहुत पहले है, कितना परदादा साल के टाइम पे से भी पहले. पर दादा के टाइम पे, कब, तकरीबन 100 साल पहले. तो कहते हाँ हैं कि ये मतलब पता नहीं है बात सच्ची है नहीं, पर कहते हैं हर 100 साल एक ऐसी आती है वायरस जो कि यही करती है, तबाही मचाती है, हर हर 100 साल होता है एक. तो ये अब 100 साल हो गए इसको, 1918 से लेके अब तक 2020. लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस इससे आएगा पूरी दुनिया में, क्या दुनिया से निकल पाएगी? दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, यूरोप और अमेरिका में तो आ ही गया तकरीबन, और यूरोप में तो आ जाएगा अगले कुछ 20 दिनों में, और मजीद बर्बादी आएगी. हम तो वैसे ही, हमारी इकोनॉमी कभी उठ ही नहीं पाई, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ वैसी गिरी हुई है. तो पता नहीं आप हमें तो शायद बताएं ज्यादा आपको कोई क्या फर्क लगता है, नहीं, हमें आपको हमें क्या फर्क मुझे लगता है लगता हम सर्वाइव कर पाए जाएंगे, जो हमारा मुल्क है, क्योंकि हम इतने है? हम वो हैं. हम वैसे भी अगर आप क्रिकेट मैच देखती हो तो 34 फॉर 5 ही से हमारी बैटिंग स्टार्ट होती थी, उसके बाद कोई इनिंग बिल्ड करता था हमारी जिंदगी में. तो हमने सारी जिंदगी ये देखा कि हालात खराब हो रहे हैं, हालात सही हो जाएंगे, ये हमने सुना है बचपन से, आज तक देखा तो नहीं हालात सही होते. तो मेरे ख्याल में ये हम निकल जाएंगे, हम सुकून में, हमारा कोई चक्कर है क्योंकि नहीं हम हमारा. बहुत ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने इतने मुश्किल वक्त देखे हैं, तो हाँ हम जरा आदि हैं मुश्किल वक्त को जो है का सामना करने के भी आदि हो गए, मतलब कि ऐसे टेररिज्म ही से लेके बुरे हालात से लेके, जो लोग कराची में रहते हैं उन्होंने तो वो भी देखा है कि जो है शटर डाउन हो रहा है, अब हड़ताल हो रही है. तो जरा ये हम थोड़े से आदि हैं, बट अब ये देखें एक बड़ी नई किस्म की आजमाइश है, अब इसका पता नहीं है हमें. तो अब देखें आज का जो दिन है, वही मैं हिरा से कह रही थी, वो ऐसा दिन है कि हम सब दुआ ही कर सकते हैं, और जो है कि जो भी मुश्किलात है वो सबके लिए ही आसान हो, नॉट जस्ट ऑल ऑफ अस. क्योंकि देखें हमारा
हम तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये, बहुत ज्यादा बल्कि। बहुत मुश्किल है, और ऐसी ऐसी कॉल्स भी आती हैं मंशा, आप जब से काम शुरू किया है तो बस मैं कभी कभी बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ कि मैं किस तरह करूँ, मैं क्या करूँ, मतलब जितना खैर हम दोनों ही कर सकते होते हैं उतना करते हैं, लेकिन ये कि बहुत बुरे हालात हैं। वही बात है कि हम लोग तो चलो इतने प्रिविलेज्ड हैं, चीज़ें हमारे लिए थोड़ी अवेलेबल हैं, अच्छी हैं, लेकिन बस बहुत दुख होता है उन लोगों का। बस ये है कि डेली वेजेस वाले लोग बहुत नुकसान में हैं, बहुत ही नुकसान में हैं। और कहते हैं ना समंदर है, मानिंग की बात मैं दोहराऊंगी, कराची एक समंदर और हम एक कतरा कर रहे हैं इसके अंदर, एक कतरा। तो नहीं, वही यानी कि है, अच्छी बात ये है कि ये शहर पे मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं कराची आई हूँ। कराची का दिल सबसे बड़ा है मेरा। हमें दुनिया में इतने अच्छे लोग कहीं मैंने देखे, जितने इस शहर के लोग हैं, यूं पैसा फेंकते हैं, यूं सामान लगाते हैं, यूं दस्तरखान लगाते हैं। मैंने इससे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में तो मैंने कहीं शहर नहीं देखा। मैं इतना घूमता रहा हूँ हर हालात में, चाहे वो जलजला हो, सैलाब हो, मैंने काफी कवरेज की है, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा दिल वाला शहर देखा नहीं। ये शहर कुछ निराला है, ये पूरे पाकिस्तान की क्रीम यहाँ पे आके रुकती है। और मेरे ख्याल में कुछ है ब्लेसिंग है इस शहर को, कि अभी मुझे लगता है कि अगर कोई क्राइसिस से निकलेगा शहर, वो कराची होगा, और फिर वो पूरे पाकिस्तान को स्टेबल करेगा, जो कि हमेशा करता भी है। तो कराची निकल जाएगा इंशाल्लाह, देख लेना। और हम तो एक कतरा है ना, इस तरह कतरे कतरे हजारों लाखों कतरे हैं इस तरह के, जो कि फिर वो दरिया बन रहे हैं और समंदर बन रहे हैं कराची के अंदर। तो लोग कर रहे हैं, यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह, ना सोता है, ये बड़ी इंशाल्लाह बात है। बिल्कुल। मैं हिरा से भी ये कह रही थी कि देखें जो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा क्वाइट फ्रैंकली कि जिन लोगों ने भी कहा ना ये कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं तो ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, आई डिड नॉट लाइक इट। तो मैंने हिरा से पर्सनली खुद भी कहा कि मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी कि जो लोगों ने तुम्हें ये कहा। देखो डिसएग्री, देखे हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है, और जब मेरा भी ओपिनियन होता है तो भाई आप कह सकते हैं किसी को, लेकिन ये कि आप मुझे कि लगता किसी के है अच्छे कि काम को बुरा मत कहो, किसी के अच्छे काम मंजर को बुरा मुझे मत कहो। लगता है कि आ, 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 क्या कहते हैं, आपको आपको कहना चाहिए और आपको क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, और आपका राइट बनता है कि आप क्रिटिसिज्म करें, और आपके पास क्या कहते हैं वो, कंस्ट्रक्टिव किस्म की बात हाँ, हो, कंस्ट्रक्टिव हाँ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव की क्रिटिसिज्म, बात, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप क्या पब्लिसिटी इतनी तो हो गई है मंशा, इतना तो काम मैं कर रही हूँ। ये तो मैं कुछ अरसे पहले ना, आज से कुछ 10-12 साल पहले हमारी शादियां होती थी, वो चली गई मंजिल के नाम से, ट्रस्ट चलाई थी बच्चों का, तो मैं उनको लेके, उन्होंने कहा कि गवर्नर से इनके पास जाना है, उस जमाने में अशरतुल्लाबाद थे, तो आप चलें। तो मेरी मुस्तफा वहां से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, वो मेयर थे। मैं इतफाक से गवर्नर के पास गया, और ये लोग अपनी कुछ ट्रस्ट के लिए कुछ चाह रहे थे, तो गवर्नर को नो क्लू था, वो सिर्फ मुझे जानता था उस टाइम पे। तो जब मैं बैठा सामने, तो मुस्तफा कमाल इतफाक से दूसरे रूम से निकले, वो नमाज पढ़ के निकले, और उन्होंने मुझे देखा, कह रहे हैं मानी भाई अभी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा वो इनका कुछ चक्कर है शादिया का, बोला मैंने, मतलब मंजिल है, ट्रस्ट मंजिल है एक इसके ट्रस्ट है। लिए, चैरिटी के लिए पैसा तो वगैरह। सबसे पहला सवाल मुस्तफा कमाल, क्योंकि गवर्नर को तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, उसने मुस्तफा कमाल को कह दिया जी मुस्तफा आप देखें। तो मुस्तफा कमाल ने एक सवाल पूछा कि आपका ये ट्रस्ट है, आपके बारे में कोई बुरी बात नहीं पता मुझे, यानी आपकी कोई बुराई नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, कहते नहीं बुरी बात है, कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने लगते हैं ना, तो एक रेला आता है, वो आपको बैशिंग करेगा, आपको उड़ाने की कोशिश करेगा, आपको डीमोटिवेट करेगा, आप पे एलिगेशन लगाएगा, तोहमत भी लगा देगा। आप पे तो इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, ना आपको कोई जानता है अच्छे में ना बुरे में, तो मैं तो आप पे डाउट कर रहा हूँ। तो फिर वो खैर आगे जाके वो फिर उस तरह से नहीं हुई चीज, बात में किसी और तरह से हुई, लेकिन ये बात मुझे दिल पे लगी उनकी। मैंने यार ये बात बंदा सही कर रहा है, बात उसकी में डेप्थ थी, कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो एलिगेशन आती हैं आपके ऊपर, उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन फिर वो ऐसे ऐसे छटती गई। अब देखें कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मैं सिर्फ देख रहा था कि क्या लोगों का रिएक्शन, मैं रिएक्शन के लिए नहीं बना रहा था, लेकिन मैंने दिल से कुछ एक चीज बनाई थी, लेकिन मैंने रिएक्शन भी देखा, दैट्स व्हाट द नेचर, ह्यूमन नेचर है। अब 5% लोग रह गए हैं ऐसे, पहले 50% थे, तो अब 5% रह गए हैं जिन्होंने बुराई की होगी, 95% ने बोला कि बिल्कुल बेस्ट काम है, वी आर विद यू। तो चीजें चेंज होती हैं, अल्लाह मियां लोगों के दिल नरम करता है, ऐसा ऐसा करेंगे, हमारा कॉज सच है, हमारे साथ जो लोग हैं वो सच्चे हैं, तो व्हाई नॉट, अल्लाह मियां तो मदद करता है ऐसे लोगों की, सिंपल सी बात है, हर्डल्स बिल्कुल। आते हैं और थोड़े बहुत। मैं एक बात ही सोचती हूँ मंशा, कि जब आप टीवी सेलिब्रिटी हैं, जब आप इतने महंगे ट्रेनर से ट्रेनिंग करते हैं तो आप वो भी लगाते हैं, आप जब जहाज में बैठते हैं बिजनेस क्लास में तो आप उसकी पिक्चर भी लगाते हैं, जब आप अच्छे डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं, बेशक वो वापस ले लेता है डिजाइनर, लेकिन आप उसकी पिक्चर भी लगाते कुत्ते की हैं, भी लगाते हैं अपने, आपने महंगे से कुत्ते की पिक्चर भी लगाते हैं, आप हर चीज की पिक्चर, अपना लाइफ स्टाइल आप शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे,
तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा मैं ये भी शेयर करूंगी, इसमें भी शेयर करने वाली बात है, ये भी अच्छी चीज है। और तुम यकीन करो मंशा कि मुझे दो तीन लड़कियों, अब मेरे ग्रुप मेरे इस जो मैं जो भी ये चैरिटी कर रही हूँ उसमें दो तीन लड़कियां आ गई हैं मेरे पास, और इसमें ज्यादा लड़कियां हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वुमेन पावर है यार। एक लड़की है मरियम जो कि अपने तरीके से, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे लिंक दो, अपने तरीके से अपनी कोई टीम बनाओ और अपने तरीके से लेकिन कुछ ना कुछ करो, ये टाइम है करने का, ये टाइम जो है ना बस ये देखो उनकी जगह हम भी हो सकते थे यार, हमें तो अल्लाह ताला ने छत दी। आज कराची में ऐलान करूंगा 10 मुख्तलिफ एरियाज में हमारी टीम्स हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत, वो कुछ प्रिविलेज लोग हैं जो कि करना चाह रहे हैं हमारे ही मतलब नाम पे ही वो कर रहे हैं, हिरामानी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं काम, वो कम से कम 20 लोगों को तो फैमिलीज को लोग नहीं फैमिलीज को राशन पहुंचाते हैं, तो इस तरह ये करते करते चीज बड़ी होती जा रही है। हम तो कह रहे हैं बेशक आप हमें ना सपोर्ट कर रहे हैं, खुद कर। जब आप जब मैं स्कूल में थी ना मंशा तब भी बुली होती थी, तो ये बुली वाला चक्कर ना मेरे साथ शुरू से, मैं कजन्स के साथ होती थी तो भी बुली होती थी, मैं स्कूल में बुली होती थी, और जिनसे मैं और बुली होने की वजह से ना मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। और आप बड़ा ये जो लोग अगर मुझे बुली ना करें या मुझे इस तरह से तंग ना करें तो शायद मैं इतनी स्ट्रांग भी ना हूँ जिंदगी में, तो कुछ लगे थे ना नेगेटिव लोग ही आपको कुछ बना देते हैं जिंदगी में। अगर मेरे पास तुम और दो बोल हिट ना होता ना तो कभी भी इसको किसी को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। अगर ये दो ड्रामे इसके सुपर हिट ना होते, मैंने इस तरह देखा है लोगों को चीजों को, तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि हम चैरिटी कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अगर ये हिट है तो लोगों की नजर है कि ये क्यों कर रहे हैं, सही है ना। अगर ये सुपर डुपर फ्लॉप होती है एक्टर, तो मेरे ख्याल में लोग इसको फर्क भी नहीं पड़ता लोगों को कि ये क्या कर रही है। हाँ। क्या करी क्यों करी क्यों कर कर भी रही है, चलो सही अच्छी बातें कर रही है, लेकिन ये जब ही होता है जब आप नहीं, कुछ और मैं होते हैं। बोलूंगी मंशा तुम्हारा भी, तुमने भी सपोर्ट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वक्त ऐसा है कि बस इसमें जो है ना असल अच्छा और बुरा आपको बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है, ये बात सच है। मुझे बस एक प्रॉब्लम की उससे नहीं होता, मैं कह रही थी वो भी देखें बहुत, मुझे जो लगता है कि देख हर बंदे की एक अपनी इंटेंशन होती है और एक अपना जो है ना एक तरीका होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में भी होंगे शायद जो कर रहे होंगे अपने तरफ से और शायद नहीं बता रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है, हाँ जो बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई मैं अपनी जिंदगी की, लाइक यू सेड, मैं अपनी जिंदगी की हर चीज शेयर कर रही हूँ, तो फिर मैं ये भी चीज शेयर कर रही हूँ, इससे शायद लोग इंस्पायर हों और मेरी तरफ आए, मुझे डोनेशंस दें और यू नो मेरी मदद करें इस चीज में। तो देयर इज नो, देखें कोई इसमें कोई सही और गलत का नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है और आपकी जो नियत है ना वो खुदा ही जानता है, लेकिन किसी और को ये अजीब किस्म की बात है कोई के तोहमत लगाया आप पे कि आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो, ये गलत बात है। आप नहीं कह सकते कि किसी के दिल में क्या है, और मुझे लगता है कोई अगर बंदा एक अपने दिल से अच्छा काम कर रहा है तो उस पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप का दिल छुटा होता है। अभी फर्क पड़ गया ना, देखे ना, एक जब वो शुरू में मसल मैंने बोला शुरू में हर्डल आई, लेकिन कल से देखे कितना फर्क पड़ा परसों से, कि वो एक वो कहते ना काया पलट गई, वो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो नहीं लड़का आता यूके वाले मैच, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मुझे लग रहा है क्योंकि शायद थोड़ी सी पसंद आ गई हमारी, और एकदम से जो पब्लिक का जो रुझान था ना वो एकदम से हमारे हक में आ गया, तो मुझे बड़ा पसंद आई ये चीज कि चलो हम जनरली एफर्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाले रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज, क्योंकि परसों से पहले पहले कुछ और ओपिनियन था लेकिन बिल्कुल चेंज हो गया। इवन हमारे जो को स्टार थे बहुत सारे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमें, तो ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ सही बात है, तो ये कि मगर मैं ये बोल रही थी मंशा, अब तो हमने बड़ी सीरियस टॉक कर ली, मुझे लगता है कि हमें जिब्रान के बारे में मंशा, जिब्रान किधर है, कैसे जिब्रान क्या है, किस नेचर के इंसान है वो, अपने घर पे है, हम अपने घर पे हैं, बड़ा अच्छा डांस करते हैं, हमने भी देखा है, मुझसे अच्छे स्टेप्स करता है भाई। आज का जो दिन है ना उसमें शायद बेहतर यही होगा कि हम डांस वगैरह की बातें ना करें और समझा के नमाज पढ़ लेंगे, कोई भी चीज पकड़ लेंगे, ये भी पकड़ लेंगे लोग। यार मुझे वैसे ये लोगों का नहीं होता, ये लोग नहीं कर रहे भाई, ये लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको अगले दिन की खबर भी तो बनानी है, इसमें से भी तो खबर बनेगी ना, इसमें से कोई खबर बनेगी तो उनकी दुकान चमकेगी, और फिर वो पोस्ट लेने के कितने 4,000 रुपए, तस्वीर लगाने के 11,000 रुपए, फलां के और 15,000 रुपए वो आर्टिकल लगाने के लेते हैं। हाँ। ये भी तो होता है और ये काम भी चलना चाहिए, लेकिन ये काम भी चलना चाहिए, धंधा चलना चाहिए सबका। तो 3.5 मिलियन जो लोग हैं,
उस पे तुम क्या नाम है पैसे चार्ज करती हो जब कोई बोल लेती हो? बस तो वो भी करते हैं ना, सब करते तो ये तो चलो गाइस आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों से बात करके। थैंक यू मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बच्चे सो रहे? नहीं बिल्कुल भी होंगे ना, स्पेशल लगेगा यहाँ पे। अभी तो ये मुझे उठाएंगे नींद से, फ्राइज बनवाएंगे मुझसे और पता नहीं क्या क्या ही मैं करती रहती हूँ सुबह के 3 बजे तक, क्या उठे अब ये कर दें, अब उठे वो कर दें, तो बस ये सिलसिला है। वैसे मुझे मुझे ना सबसे ज्यादा मजे की चीज जो लग रही है अभी ये ऑनलाइन पढ़ाई है जो कि बिल्कुल फ्रॉड है। मैं सोचता था कि लोग कोई एक बंदा ऑनलाइन डिग्री लेके आया है वो भी फ्रॉड होगी। फर्ज करो एक ऑनलाइन इम्तिहान हो रहा है और नीचे किताब रखी हुई भाई ने, नीचे रखी हुई साथ में कोई जीनियस बिठा लिया उसने, कान ने कुछ लगा लिया। ऑनलाइन भी होते हैं ना पेपर वगैरह, हमारे पास आज ही सुबह फीस के पर्चे आ गए हैं। वो भी देनी है भाई। चलो मंशर जाते जाते क्या कहोगी अपने? तो ये थी कहाँ जा रहे हो मानी? अच्छा तुम उसके बात थी? बिल्कुल। अच्छा तो ये थी मंशा और जो कि बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, इन्होंने लाल कबूतर भी की तो सबने देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी। हमारे यहाँ पे फिल्म बिजनेस थोड़ा कम ही करती है और लोगों को पसंद भी थोड़ी कम आती है, लेकिन लाल कबूतर में अहमद ने बहुत अच्छा काम किया, मंशा ने बहुत अच्छा काम किया और जो है शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। और मुझे हमेशा मैं जब भी डाउन होती हूँ और डिप्रेस होती हूँ तो मैं एक कॉल मंशा को जरूर कर लेती हूँ। अक्लमंद, ये बात है ना कि आपको सेंसिबल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और एक अच्छा मुझे मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो खाली ना हो, जैसे मेरी भी दोस्ती हुई मुस्तफा चौधरी से, फोरमैन शो के जो किंग थे जो कि जान है, मुर्तजा मुस्तफा दोनों आते हैं जो मिमिक करते हैं बहुत ज्यादा, इमरान खान भी बनते हैं। तानिया कैसे हो? कांग्रेचुलेशन तानिया फॉर फर्स्ट एपिसोड ऑफ कश।
बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो. आपने जो कश्फ का कैरेक्टर कर दिया है ना, मुझे फर्स्ट एपिसोड में ही लाइक गूसबम्स आ रहे थे. आई थिंक आपसे बेहतर ये कोई कैरेक्टर नहीं कर सकता था जान. थैंक यू सो मच. और आप मुझे ज्यादा बेहतर मेरी कोई बहन नहीं बन सकती थी. और हमारी शक्लें कितनी मिल रही हैं इस प्ले में, ये देखा आपने. लोगों ने इतने मैसेजेस किए मुझे, लोगों ने कहा हिरा मनी आपकी बहन है. मैंने कहा हाँ यार, यही समझ लो है, बहन ही है मेरी. बहन ही हूँ मैं तानिया की. तानिया की जो है मैं बड़ी बहन हूँ. और तानिया कश में भी हूँ और असल में भी हूँ. और तानिया इज सच अ वंडरफुल एक्टर और हमारे सेट की जान है तानिया. तानिया जिस दिन नहीं होती हम बहुत बोर होते हैं, क्योंकि दानिश नवाज और तानिया की जो छेड़छाड़ चलती है ना वो एक ब्यूटीफुल होती है. और वो हम बहुत मिस करते हैं जब तानिया नहीं होती. तानिया अम्मी किधर हैं? वो इधर ही है. मैं अभी आपको हेलो हाय कराती हूँ. आप सबको ये बताऊँ की जो हेलो हाय और उनका बहुत पुराना ताल्लुक है. मामा मैं अभी बुलाती हूँ उनको दूसरे कमरे में. अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगा. Yes. एहिरा जब मैंने अच्छा बेसिकली ना इनिशियली आपसे मिलने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली दो बोल के बाद कश्फ आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी. तो मुझे ना जब पहला ये रोल ऑफर हुआ ना इरम का, तो मैंने दानिश सर से पूछा कि लीड में मतलब कौन है, और तो उन्होंने कहा हिरा मानी. तो मैंने कहा यार मैं कैसे इनके साथ काम करूँगी, इतनी बड़ी स्टार और पता नहीं क्या एटीट्यूड होगा. लेकिन पहले दिन सेट पे मुझे अभी तक याद है, हिरा आई ठीक है और दानिश सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया और कहा कि अच्छा हाँ ये नाटी की बेटी है. और हिरा ने मुझे देख के कहा मैं आपकी अम्मी की फैन हूँ. और मैं ये बात सुन के और फिर पूरी मानी की स्टोरीज मुझे पता चली. मामा से तो पहले ही पता थी, हिरा ने भी कहा कि मानी और बहुत पुराना ताल्लुक है. तो मैं इतना वो हुई और उसके बाद हिरा से मेरी ऐसी दोस्ती हुई कि मैंने कहा कि अगर बड़े स्टार्स इस तरह होते हैं ना तो फिर मुझे भी स्टार बनना है, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है, जो पर्सनालिटी है माशाल्लाह. और मैं ऐसी तारीफ नहीं करती. आई मीन इट यार. तानिया क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही. हिरा के अंदर एक क्वालिटी है कि इसको यही तो नहीं पता कि वो स्टार है. एग्जैक्टली ये तो बात है. दिस इज द थिंग मानी, ये जो आपकी आप मतलब. और हिरा हमेशा ये कहती हैं कि मैं जब शुरू में जब आपकी और मानी की शादी हुई, हिरा ने इतनी यू नो हमें बात बताई कि ये हिरा ने आपसे भी कुछ कुछ सीखा है. बिकॉज शी सेड कि जब ये शादी हुई थी तो मानी और मैं एक स्टार फैमिली में गई, लेकिन मैंने देखा कि सारे इतने हम्बल हैं. तो आई थिंक कि आपका भी मानी इसमें आपको काफ़ी क्रेडिट जाता है कि यू नो आपने भी इतना आप भी शुरू से हम्बल, मतलब यू नो एक पूरी फैमिली में आप लोग ऐसे हैं कि किसी में कोई एटीट्यूड नहीं है, कि कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझता. और ये इसीलिए तो आप लोग इतने अच्छे इंसान हैं. आई थिंक ये बहुत मैं बताऊँ कि एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया मिलती है, पसंद करती है. लेकिन मेरे घर में जब मैं मेरे शो जब हिट होने शुरू हुए तो मेरे घर में किसी ने बताया मेरे काम क्या है, किस लेवल का काम है. तो मैं घर में वही दही रोटी लेके आता था दोनों से जाके. उस वक्त भी जब मैं बहुत बड़ा स्टार इनिशियली आते ही बन गया था, तो यही हाल हिरा का है. घर की मुर्गी दाल बराबर. नहीं आई थिंक स्टार कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आप काम करते हैं, ये काम है जो हम करते हैं तानिया. और माशाल्लाह से तुमने इतना अच्छा काम किया है. वो रोटी वाला सीन तो बहुत अच्छा था. काश रोटी चल गई. वो वैसे बहुत असल में उसमें इतनी क्यूट ना आपकी भी मतलब हमारी केमिस्ट्री माशाल्लाह. मैंने भी जब देखा, मामा ने देखा तो उन्होंने कहा केमिस्ट्री लग रही है. लाइक इवन सबीना और हम ना बहन असल में बहने लग रही है. लाइक वो बहुत एक फैमिली की केमिस्ट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में बहुत नजर आई है. मतलब सारे कैरेक्टर्स ना बहुत अच्छा सूट किए हैं. अच्छा मुझे जो फीडबैक आया तानिया, मुझे क्या फीडबैक आया है कि ये ना पुराने दौर का ड्रामा लग रहा है जिसमें खालदा रियासत हीरोइन कहीं टाइप की टच आ रहा है. ना पीटीवी का जो पुराना दौर था ना जिसमें बाकी हाँ. वो थीम को लेके चला जाता था और एक कैरेक्टर एक भी कैरेक्टर पे बड़ा ध्यान दिया जाता था. तो तुम्हें देखा दानिश भाई एक एक सीन पे और एक एक चीज में हमें कितना ही कोई डांटते थे. हम छुप के अगर लिपस्टिक लगा लेते थे तो इतनी ही चीज डांट करती थी. मेकअप पे डांट मुंह कहती थी कि तुम मुंह लिटरली उन्होंने सनी और उन्होंने कहा मुंह धो, मेकअप नहीं चाहिए. और फिर हम ऐसा ऐसा हमने यू नो मेकअप के बगैर बाय द वे लाइटिंग में हम बाकी आई थिंक काफी सारे अच्छे लगे हैं. आई थिंक मेकअप तो किसी ने नहीं किया हुआ था. बिल्कुल भी नहीं था, मेकअप तो था ही नहीं. हम लोग के मुंह धुलवा देते थे वो
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता था नहीं, देखो जब हमने अपने सीन्स देखे जो शूट हो जाते थे तो तामीन ने इतनी अच्छी कोई लाइट की और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि यार यकीन के सफर में जो डीओपी थे और जो तामीन फील बनाता था और जो मतलब अनएक्सपेक्टेड मुझे जो है ना फीडबैक आया है और इतना प्यारा आया है इस ड्रामे का ओवरऑल नज़ा का काम कितना ही कोई प्यारा आया बहुत ज्यादा। बाय द वे बाकी नेटफ्लिक्स का लग रहा था ये मुजम्मिल की बात सही है बिकॉज हम लोगों ने भी टीवी पे जब मामा ने देखा यूजली हम हमेशा यूट्यूब पे देखते हैं लेकिन ये ऑब्वियसली कश्फ है टीवी पे भी हम फॉलो कर रहे हैं तो हमने फुल वॉल्यूम ना टीवी पे देखा तो वो एक डायलॉग डिलीवरी और बाकी नेटफ्लिक्स के शो की फील आपकी मुजम्मिल ने सही बात की है वो बच्चा होते हुए कह रहा है उसने गेज किया बच्चे स्मार्ट होते हैं उनको वो नेटफ्लिक्स आई बता दू जब मैं हाँ और जब मैं तो ड्रामा देख रही थी तो मुजम्मिल मेरे साथ बैठा था पब्लिक हाँ तो मुजम्मिल ने मुझसे मैं सबको बता दूं ना ये बात जितने भी लोग देख रहे हैं मुजम्मिल ने मुझे कहा मम्मा ये नेटफ्लिक्स वाला ड्रामा क्यों लग रहा है आपका क्या नेटफ्लिक्स पे आएगा ये मैंने कहा नहीं तो ये वाकई में ये अचीवमेंट है यार दानिश भाई ने बहुत अच्छा ग्रो किया है और बड़ा कोई कमाल दानिश कमाल हमेशा से ही एक मतलब आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो क्या करने वाला है वो एक नया छक्का मारता है आके और जितना दानिश और तानिया जो है वो सारी जिंदगी पाकिस्तान में नहीं रही है तानिया ने जो है वो लंदन से अपनी पढ़ाई तानिया आपका अटक रहा है थोड़ा सा अब आवाज आ रही है हेलो हेलो तानिया नहीं आ रही आवाज फोन में मसला रखता है तानिया की आवाज मुझे नहीं आ रही है बंद करना नहीं देखो परिवार आ रही हेलो तानिया कैन यू हियर मी हेलो नहीं है आवाज तानिया का हैंग हो गया आई थिंक लेट मी कॉल